क्या करने जा रहे हैं जरा बता दिए। हम नाइन्थ क्लास जा रहे हैं अपने भाई को देखने। और मैं भी नाइन्थ क्लास जा रहा हूँ ब्लड देने के लिए। तो मैं गया नहीं हूँ कभी, लेकिन आज पहली बार जाऊँगा तो आप लोग फॉलो करोगे, आप लोग के साथ जाऊँगा, ठीक है। तो अभी जस्ट हम ट्रेन में हैं और हम अलावाबड़ी पार किए हैं, अभी हम सीधा शायद किशनगंज में रुकेंगे ना। हम लोग आ गए हैं किशनगंज स्टेशन में और अभी पैदल हम लोग जाएंगे ना, ये वाला ट्रेन से आए हैं, अभी हम लोग पैदल तो नहीं जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। गणेश सिद्धार्थ बराबर, अरे हम तुम्ही को खोज रहे थे भाई। गाड़ी से जाएंगे लाइन्स क्लब हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में मिलते हैं। हाँ हॉस्पिटल में मिलते हैं, आगे देखिए क्या क्या और क्या से जाएंगे वो भी दिखा दूंगा। हम लोग फाइनली गाड़ी मिल गया और हम लोग टोटो से जा रहे हैं और साथ में हम लोग जाएंगे एक ही हॉस्पिटल में जाएंगे और बिल्कुल हाईवे के हाईवे में है राइट। और अंदर अभी जाएंगे कुछ देर के बाद ही और देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। चलिए मेडिकल कॉलेज। हाँ और अभी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है नहीं क्या हो रहा है, अंदर कैमरा करने देगा तो नहीं तो। हाँ तो आखिर आ गए, देखते हैं कितना सीढ़ी ऊपर जाना पड़ता है, आखिर ब्लड देने के लिए जा रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं आया हूँ, बैठा हुआ हूँ ब्लड डोनेशन के लिए। It's very hard here. लगता है किसी सॉलिड चीज से टकराए हो। बहुत। यहाँ लिखा हुआ है ब्लड डोनेट करने से मिलते हैं 7 आश्चर्यजनक फायदे, रक्तदान महादान। रक्तदान को यूं ही नहीं महादान कहा जाता है, दूसरों की जान तो बचाता है साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। कौन कर सकता है रक्तदान? रक्तदान कोई भी कर सकता है, ये बहुत ही सुरक्षित प्रक्रिया है जो कि आसान है। रक्तदान करने से शरीर में रक्त की कमी भी नहीं होती है। 18 साल से अधिक 50 किलोग्राम से अधिक वजन का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान को दिल के लिए भी अच्छा माना जाता है। नियमित अंतराल पर ये लो, हमें मिलने आया तो घर तो आओ। फ्रेंड्स मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ और अभी ब्लड डोनेट करने वाला हूँ कुछ ही देर में, इसलिए उसी का तैयारी में पोजीशन में आ गया हूँ। अब डोनेट करके फिर घर जा रहा है, शाम हो रहा है। ये लीजिए, थैंक यू। तो आखिर मैं खून तो निकाल लिया। अभी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और एक दोस्त है। तो सर जी आपका घर कहाँ है? मोहम्मदपुर। ये किधर हो गया फिर? कांकी। कांकी जिंदगी में एक बार गए थे, मैंने हाँ बाइक पकड़ा था ये मैंने एक महीना पहले। मेरा हो गया गलगलिया बिहार, गलगलिया तो वहाँ से आए हैं। तो साथ में हमारा ये सर जी भी है, हमारा पति, और उधर मेरा गिन बैठा दिखा पड़ रहा है ना। तो मज़ा आ गया, लायंस क्लब भी देख लिए, नहीं देखे थे इससे पहले। आज यहाँ आए देख लिए। फ्रेंड्स अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं और अभी फिर से ऑटो पे, ऑटो कहा जाता है या टोटो कहा जाता है? रेलवे स्टेशन। नहीं नहीं, गाड़ी को ऑटो कहा जाता है या टोटो कहा जाता है? रेलवे स्टेशन जाएगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो जा रहे हैं, ये गाड़ी को ऑटो कहते हैं ना, सिटी रिक्शा कहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, 9 बजे जैसे हम लोग का ट्रेन है, कम से कम 11 बजे तक हम लोग ठाकुरगंज पहुँचेंगे। ठाकुरगंज में बस मोटरसाइकिल है, फिर उससे जाएंगे। तो हम पहुँचे हैं अभी किशनगंज रेलवे स्टेशन पर और अभी हम इसमें जाएंगे। देखिए
देखा कुछ बोलेगा? हाँ भीतर से तो हम लोग लिफ्ट से आए, नीचे उतरे, अभी हम लोग पटरी के बगल में चलो इसको ऐसा कर पकड़ के फटा तो पकड़ के देखते हैं इसका दम चाहे हमको जरूरी नहीं है, बहुत खाली है, इतना मार रहा है लेकिन कोई काम कर नहीं है, कुछ ये काम देता नहीं है इसको, लास्ट में तक चिड़ना है इतना टाइम ना दाम से ही करना है या तो यहाँ पर इस जगह में उसको फाड़ना है तभी होगा। अभी हम इसको चिड़ के अभी खाएंगे बड़ा मस्ती से। 9 बजे का ट्रेन 10:30 बजे पहुँचा है, इतना ढीला ट्रेन, बाप रे, हम लोग कर जो पहुँचेंगे कब, सोते सोते जाना पड़ेगा। देखिए ट्रेन ट्रेन में चढ़ने वाला है, इसमें अभी देखते रहिए। 8:50 का ट्रेन 10:30 बजे ना, 10:30 बजे बाप रे, इतना ढीला ट्रेन, हाँ सीट सब भी बहुत छोटा छोटा है।